जब मैं कैलोजन एफ्लुवियम से सफर कर रही थी 2019 में, सो मैंने कैस्टर ऑयल कैसे लगाया, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप कैस्टर ऑयल कैसे लगा रहे थे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कैलोजन एफ्लुवियम, सो उस दौरान मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि मैंने कैस्टर ऑयल अप्लाई किया था, एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो कैस्टर ऑयल आपने कैसे अप्लाई किया है। सो आज मैं गुड़िया के वो उस तरह से कैस्टर ऑयल अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल जो है वो आप एक बाउल में ले लो, कुछ ड्रॉप्स थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना सा कैस्टर ऑयल लिया है। ये तो कांच का है। मैं दिखाऊंगी कि हमने कैस्टर ऑयल कितना लिया है, कुछ ड्रॉप्स लिया है, आप डायरेक्ट बॉटल से भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसको आपको ऐसे बस थोड़ा सा मिक्स करना है। सो आपको ये कैसे अप्लाई करना है, जैसे आपको यहाँ पे ये डार्क पैच दिख रहा है, सो आपको ऐसे ऑयल लेना है सिंपल, कुछ इसको आपको कुछ गर्म नहीं करना है या कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ऑयल लो, बॉटल से भी ले सकते हो आप। सो ऐसे अपनी फिंगर टिप में एक ड्रॉप जैसा लिया, एंड देन बॉल्ड पैच जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे ऐसे ऐसे हल्का सा रब किया, तो थोड़ा सा जेंटल मसाज किया और वहाँ पे उसको छोड़ दिया ओवरनाइट। ऐसे ही आपको दो तीन जगह अगर पैचेस दिख रहे हैं तो दो तीन जगह अप्लाई कर लो, बस हल्का सा ऐसे मसाज कर लिया और उसको आपने छोड़ दिया ओवरनाइट। तो इससे ये है कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर हेयर वॉश करने की नीड होगी, बट आप क्या करेंगे, रेगुलर हेयर वॉश करने की नीड नहीं होगी तो हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड इसमें बेसिकली मैंने यही बताया है कि आप कैलोजन एफ्लुवियम से अगर सफ़र करें तो आप कैस्टर ऑयल कैसे अप्लाई करें, आप उसको एज अ ऑयल नहीं एज अ मेडिसिन यूज़ करें। मेडिसिन हम कैसे लगाते हैं, कुछ थोड़ी सी मेडिसिन लेते हैं, लाइक आप सीरम लगा रहे हैं तो कुछ ड्रॉप्स लगाएंगे, इन अ सिमिलर वे आप कैस्टर ऑयल को भी सिर्फ कुछ ड्रॉप्स की, जैसे जहाँ पे आपके हेयर फॉल ज़्यादा है या बॉल्ड पैचेस हैं या स्केंटी हेयर है, सो वहाँ पे आप उसको हल्का हल्का अप्लाई करें, एंड ऐसा नहीं है कि पूरे हेयर में अप्लाई करना है क्योंकि वो वॉश करना डिफ़िकल्ट होगा और आप रेगुलर बेसिस पे कैस्टर ऑयल भी नहीं यूज़ कर पाएंगे, उसके बेनिफिट्स भी नहीं होंगे क्योंकि आप वीक में दो बार लगा रहे हैं, फिर हेयर वॉश कर रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना। सो आप क्या करेंगे, कुछ कुछ जगह जहाँ पे बॉल्ड पैचेस है वहाँ पर आप लगा कर ओवरनाइट सो जाओ, एंड नेक्स्ट डे आपके बाल क्योंकि स्टिकी तो होंगे नहीं क्योंकि वो जो ऑयल है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा इजीली। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई कैस्टर ऑयल जब आप कैलोजन एफ्लुवियम या हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे एंड यूज़फुल रहे आप लोगों के लिए। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए इनफैक्ट, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।